गर्मा गर्म रोटी आ गई, देखो चूल्हे की फुली फुली रोटियाँ हैं। और ये वो रोटियाँ जो तीन टाइम खा लो आप, नुकसान नहीं करेंगी आपको। खाने में अगर चूल्हे की रोटी मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, मैं हूँ रवि। तो अभी मैं जा रहा था आगरा से मथुरा की ओर, तो रास्ते में मुझे ये ढाबा मिला। वैसे मैं टी ब्रेक के लिए रुका था, पर यहाँ ढाबे पर मैंने भीड़ देखी तो सोचा क्यों ना सूट किया जाए। तो ये देख लो मेरे पीछे ढाबा, और एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ इस समय मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो वेस्ट प्राइज है, और ये रोड गया सीधे शास्त्रीपुरम के लिए। इसे इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है बेसिकली ये, और ये है आगरा टू दिल्ली हाईवे। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो जस्ट इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प पड़ता है उसी के सामने। ये पहले यहाँ भगवती ढाबा हुआ करता था, अभी वो आगे शिफ्ट हो गया। तो ये भगवती ढाबे के नाम से ही पॉपुलर है ये एरिया पूरा, क्योंकि उस समय भगवती ढाबा बहुत ज़्यादा बूम पर था। तो चलिए आज परियार ढाबे का खाना दिखाएंगे आपको, और दिखाते हैं आपको कि रोड साइड ढाबे पर खाने का स्वाद क्या रहता है। अभी गर्मा गर्म रोटी सीखी है चूल्हे पे, देखो ईंटों का चूल्हा बना रखा है, अलग ही स्वाद रहता है जी चूल्हे की रोटी का। नमस्कार भैया। नमस्कार, और कैसे हो आप? हमारे यहाँ थाली का सिस्टम ज़्यादा रहता है। कितने रुपए की थाली रहती है अपने पास? थाली मीडियम से मीडियम 50 रुपए की। 50 रुपए की है, और कितने तक है? 60 वाली है, 150 वाली भी है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग थाली कौन सी रहती है? सबसे डिमांडिंग वाली 50 वाली। 50 रुपए की थाली रहती है, क्या क्या रहता है उसमें? उसमें ये सब्जी है, देखो ये चुगी हुई मिर्च का भंडारा लगा हुआ है यहाँ पर, तो डिमांड देख लो कितनी रहती है। अब तो एंड चल रहा है, एंड चल रहा है, तो दोपहर मतलब सुबह वाला ही है, शाम को अलग रहता है। शाम को अलग रहता है। ढाबों पर तो मैंने देखा है अधिकतर दो ही टाइम खाना बनता है। ये आलू मटर की सब्जी है। आलू मटर की सब्जी है, वो वाली कौन सी थी? ये ग्रेवी है इसके, इसमें ये कड़ी है। हाँ जी, देखो ये कड़ी है, पकौड़े वाली कड़ी है ना भैया? पकौड़े वाली। देखो सैलेड रखा हुआ है, और इसमें राइस चावल है। चावल है, ये चावल है। थैलावाद भाई। तो 50 रुपए की थाली में क्या क्या रहता है अपने पास? 50 रुपए की थाली में 5 रोटी, चावल और 3 सब्जी। 3 सब्जी और अचार सलाद मक्खन, फुल मील हो गया लगभग। हाँ, 50 रुपए, 50 रुपए बढ़िया, अच्छा खाने का पेट भर जाएगा। साठ वाली भी है। 60 में क्या कह रहा था? यही है, उसमें अमूल मक्खन का फर्क है। अच्छा, बस मक्खन ऐड हो जाता है। और जैसे अगर किसी ने कोई ऑर्डर देना हो अलग से, शाही पनीर वगैरह भी वो भी मिल जाते हैं, वो भी रहता है जी। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आइटम अपनी 50 रुपए वाली थाली है। थाली लग रही है, देखो अभी सैलेड दे दिया, और ये मक्खन भी रहता है 50 वाली में भी। हाँ जी, मक्खन भी रहता है उसमें। 60 वाली में अमूल मक्खन आ जाता है। देखो मक्खन का फर्क है यहाँ पर। ये दाल है, दाल है, ये दाल है, कड़ी है, ये दाल है, ये कड़ी है, पकौड़े वाली कड़ी। और ये है आलू मटर की। आलू मटर की तो सब्जियां तो रोज बदल बदल के रहती होंगी। बदल बदल के सुबह हर मौसम के अनुसार रहती है। हाँ, मौसम के। हाँ सही है, सुबह अलग बनता है, शाम को अलग रहता है। शाम को क्या रहता है मेन्यू अपना? शाम को अभी देखो सब्जी कौन सी बदल बदल के, दोनों टाइम बदल के वगैरह तो नॉर्मल रहती है। जैसे अगर किसी को और चाहिए सब्जी तो मिल जाती है ना बाद में? मिल जाती है। ये देखो कड़ी है, पेट भर के खिलाते हैं, पेट भर के खिलाते हैं, पेट भर के खिलाते हैं। तो लगभग कितना टाइम हो गया आपके ढाबे को, परियार ढाबे को? हमारा 17 साल हो गई यहाँ पे। 17 साल हो गई, तो आप भी चला रहे हो 17 साल से? हाँ जी, मैं, हमारा भाई है छोटा। अच्छा, पापा रहते थे पहले, अब पापा घर पे रहते हैं, पिताजी घर पे रहते हैं। और चूल्हे की रोटी है गर्मा गर्म, तो स्वाद तो चूल्हे की रोटी से ही आता है भैया। हाँ जी, घर जैसा खाना, घर जैसा खाना है। गेहूँ के आटे की रोटी लग रही है ना? हाँ जी, गेहूँ आटे की रोटी बनती है। तो टाइमिंग क्या रहती है भैया अपनी यहाँ पर? यहाँ पे सुबह 8 बजे खाना मिलेगा आपको, और रात को 10 बजे तक। हमारे पापा जी ने स्टार्टिंग की थी उस समय, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर? हाँ, कुछ नहीं था, सबसे पुराना हमारा ही ढाबा है। तो देखिए अभी 60 रुपए की थाली लग रही है, और बता रहे भैया क्या क्या रहता। तो पहले सैलेड ले लिया, तो सैलेड में है प्याज है और प्याज है, मूली है, और आपको सीजन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ जी, और 3 सब्जी रहती भैया इसमें भी? 3 सब्जी। अभी कौन सी आ रही है? आलू मटर। आलू मटर आ रही है, थोड़ी थोड़ी रखना भैया बस। और ये कड़ी पकौड़े वाली कड़ी है, ये है दाल, चने। रोटी कितनी रहती है इस थाली में? 5 रोटी, 5 रोटी, चावल भी रहते हैं जी। सब्जी वगैरह रिफिल हो जाती है ना बाद में भी अगर? हाँ, मिल जाएगी। ये हल्का चावल लेंगे, थोड़े से चावल लिए, और 5 रोटी। तो चलो फुल मील है ये। हाँ जी, परियार ढाबे का, और हमारा अमूल बटर भी आ गया। तो ये गर्मा गर्म रोटी आ गई, देखो चूल्हे की फुली फुली रोटियाँ। तो और ये वो रोटियाँ जो तीन टाइम खा लो आप, नुकसान नहीं करेंगी आपको। राइस है, दाल है,
चेंज मिलेगी आपको, सुबह अलग रहती है शाम को अलग रहती है, कड़ी लगभग सेम ही रहती है यहाँ पर, और न्यूट्री डाला हुआ है कड़ी में, पकौड़े नहीं है ये देख रहे हो आप। और ये है आलू की सब्ज़ी, आलू मटर छुपी हुई मिर्च साथ में रखी हुई है, हरी मिर्च रखी हुई है। और चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ पर यहाँ की थाली को। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अमूल बटर से चूल्हे की रोटी को चुपड़ा जाएगा। चूल्हे की रोटी पे हल्का सा बटर हो ना, अमूल बटर, तो स्वाद ही अलग आता है। आप इंडिया में ढाबे पर कहीं भी जाइएगा और यहाँ अगर ढाबे पर अगर चूल्हे की रोटी मिल जाए ना, तो सच में खाने में चार चांद लग जाते हैं। खाने में अगर चूल्हे की रोटी मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दाल से, दाल का टेस्ट अच्छा है। फिलहाल मैं यहाँ पे कड़ी टेस्ट करता हूँ, कड़ी में न्यूट्री डाली हुई है, यहाँ की सीजनेबल सब्जी मटर आलू। दाल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, नॉर्मल खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, हम चूल्हे की हाथ की फूली फूली सीजनेबल सब्जी रहती है, शाम को अलग मिलेगी, सुबह अलग मिलेगी, और हर दिन अलग रहता है दाल, लगभग चेंज कर करके बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ मुझे रोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं 5 रोटी भी खा पाऊँगा। कहीं और ढाबे पर देखता हूँ ना तो रोटी थोड़ी सी छोटी रहती है, पर यहाँ एकदम बिल्कुल फुली साइज़ है, देख रहे हो आप। तो यहाँ इस तरह रहता है, पैकिंग भी चल रही है साथ के साथ लगातार। फुल डाइट है, लगभग 5 रोटी हैं, 3 तरह की सब्जियां हैं, तो मैं तो 2 रोटी में फुल हो गया। रोटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, चूल्हे की रोटी है आज की फुली फुली, और सबसे ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर दाल। तो आ रहे हो तो ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा यहाँ का टेस्ट, पर ठीक है, इन्जॉय कर सकते हो आप, लगभग कर ही रहे हैं, और मुसाफिर वगैरह काफ़ी आते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, तो वर्कर वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ढेर सारे स्वाद के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।